मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मारवाड़ प्लान आपको बताते हैं। दो दिन से सीएम का मारवाड़ पर विशेष फोकस बना हुआ है। कल बाली, सुमेरपुर और भीनमाल में सभाएं की। सीएम आज भी मारवाड़ के दौरे पर रहने वाले हैं। आज भोपालगढ़, लोहावट और फलौदी में जनसभाएं मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो मारवाड़ को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है यहां पर, और पूरे जोश खरोश के साथ। और सबसे बड़ी बात कि उन सीटों पर ज्यादा फोकस है मुख्यमंत्री का, जो कि पिछले चुनाव में या तो हार गए थे कांग्रेस या फिर कमजोर रह गई थी, तो ज्यादा फोकस उस पर दिया जा रहा है। दो दिन से सीएम मारवाड़ के दौरे पर हैं। कल की बात करें तो सुमेरपुर, भीनमाल में सभाएं करी, बाली के अंदर सभा करी, और आज फिर से मारवाड़ के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, जहाँ भोपालगढ़, लोहावट और फलौदी में जनसभाएं करने वाले हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता दिनेश डांगी। दिनेश, मारवाड़ को लेकर खासा फोकस इस समय मुख्यमंत्री का दिखाई दे रहा है, दो दिन से मारवाड़ के दौरे पर है, आप इस पूरी रणनीति को किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, खुद सीएम अशोक गहलोत मारवाड़ के आते हैं, जोधपुर उनका गृह जिला है, और कोई ना कोई जो रिपोर्ट है सीएम अशोक गहलोत को मिली होगी, उसी के आधार पर आप देख सकते हो कि फेस्टिवल होने के बावजूद ताबड़तोड़ दौरे सीएम अशोक गहलोत कर रहे हैं। कल भी मारवाड़ के दौरे पर रहे थे वो पाली और जालौर, और आज फिर एक बार अपने जो गृह जिला है फलौदी, नया जिला बना, वहां के दौरे पर रहेंगे, कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में सभा करेंगे। और खासतौर से जहां पर उनकी डिमांड हो रही है, या कह सकते हैं कि कांग्रेस थोड़ा सा माहौल में पीछे है, उन्हीं को टारगेट करते हैं। उन विधानसभा क्षेत्रों में सीएम अशोक गहलोत सभा कर रहे हैं, और छोटी दिवाली के उपलक्ष्य पर भी आज उनकी तीन सभाएं होगी। तो आप देख सकते हैं कि मारवाड़ पर उनका विशेष फोकस है, और कोई ना कोई इसका रीजन है, उनको कोई रिपोर्ट मिली है या वो प्रत्याशी कमजोर है, इसके चलते। फिलहाल अगर दिनेश अगर बात करें, क्योंकि पहला दौरा उनका भोपालगढ़ में रहने वाला है, आरएलपी से पुखराज गर्ग वहां से चुनाव जीते थे, क्या वो माहौल बना पाएगी इस बार कांग्रेस? आप इस चुनाव को, इस विधानसभा क्षेत्र को किस तरह से देखते हैं? देखिए, भाजपा और कांग्रेस में मारवाड़ में अधिकतर सीटों पर सीधा मुकाबला है, लेकिन फिर भी आरएलपी है जो मान देनीवाल की पार्टी है, कई सीटों पर कह सकते हैं दोनों ही दलों को चुनौती दे रही है, उनके समीकरण बिगाड़ सकती है। उसके मद्देनजर रखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने खुद मोर्चा यहाँ पर संभाला है, और हर एरिया, हर मारवाड़ नहीं भले ही अन्य क्षेत्र है, वहां पर भी विशेष वो फोकस किए हुए, लेकिन मारवाड़ गृह जिला है और आरएलपी यहाँ थोड़ी का उसका कह सकते हैं मौजूद भी है, इसलिए सीएम अशोक गहलोत ने खुद यहाँ पे कमान संभाल ली। तो कुल मिला के दिनेश, ये माना जाए कि त्रिकोणीय मुकाबला इस बार मारवाड़ में देखने को मिलेगा आरएलपी के चलते? बिल्कुल, सिमसर है, मेड़ता है, बाईटू है, गोपालगढ़ है, इसके अलावा कुछ और सीटें हैं जहाँ पर बताया जा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय होने का पूरा आसार है, और आरएलपी कुछ सीटों पर अपना वहां पर प्रभाव दिखाई देती दिख रही है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो त्रिकोणीय मुकाबला मारवाड़ में होने वाला है, और शायद ये भी एक बड़ी रणनीति है जिसके तहत दो दिन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मारवाड़ के दौरे पर हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दो दिन मारवाड़ के दौरे पर, और एक बड़ी रणनीति के तहत कोई ना कोई फीडबैक, जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे, कोई फीडबैक ऐसा मिला है, इसीलिए मुख्यमंत्री दो दिन से लगातार त्योहार होने के बावजूद इस समय दौरे पर जुटे हुए हैं।